नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, कल से जैसे ही एडमिट कार्ड अपलोड कर दी गई थी इंटर के, उसके बाद से लगातार मेरे पास ये प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थियों के तरफ से, उनके अभिभावक के तरफ से, क्या सर 15 दिन में एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी, सर एग्ज़ाम हॉल में क्या लेके जाना है, एग्ज़ाम हॉल में क्या लेके नहीं जाना है, सर क्या एग्ज़ाम पैड यानी कि जो एग्ज़ाम बोर्ड होता है वो ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। तो आज मैं इस वीडियो में इन तमाम सवालों पर जवाब देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए, जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम से जुड़े जो सवाल है और एग्ज़ाम से जुड़ी जो चिंताएं हैं, यानी कि आप इसे एग्ज़ाम फोबिया कह सकते हैं, एग्ज़ाम का डर, तो इसके बारे में कुछ बात कर लेता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो बिहार बोर्ड में शामिल हो रहे स्टूडेंट हैं उनके अभिभावक से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना बनाए एग्ज़ाम को लेके। बिल्कुल जैसे पहले पढ़ाई करते थे उसी तरह से उन्हें पढ़ाई का माहौल दे। अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनके एग्ज़ाम की तैयारी में और भी बाधाएं आ सकती हैं। तो सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना करें तैयारी के लिए। और रही बात 15 दिनों में एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है कि नहीं, तो देखिए 15 दिनों में एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपने जो तैयारी किया होगा उसका अच्छे से अगर रिव्यूजन कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे नंबर से बिहार बोर्ड में पास कर सकते हैं या फिर टॉप कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप अच्छा से अच्छा करें। और बाकी सवालों के भी मैं जवाब आपको दे देता हूँ। जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट करके हमसे पूछा था, सर क्या एग्ज़ाम पैड लेके जा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप एग्ज़ाम बोर्ड लेके जा सकते हैं एग्ज़ाम में। बस आप ध्यान रखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम बोर्ड है वो नया होना चाहिए, यानी कि आपके एग्ज़ाम बोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ घसीटा पसीटा ना होना चाहिए। और कई सारे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम बोर्ड के अंदर अखबार एक अटैच करके ले जाते हैं, यानी कि आप अखबार वगैरह कोई चीज़ एग्ज़ाम बोर्ड में दबा के ऐसे लेके नहीं जाना है, वो आपको ले जाने नहीं दिया जाएगा। और भी कई सारे गाइडलाइंस जो बिहार बोर्ड ने जारी किए, जैसे कि आपको जूता मोजा पहन के नहीं जाना, यानी कि आप जूता मोजा पहन के ना जाएं, आप स्लीपर यानी कि चप्पल पहन के जाएं। इसके अलावे कोशिश करें कि जो आपके कपड़े होंगे वो फुल बाजू के ना हो, क्योंकि हो सकता है चेकिंग में आपको दिक्कत हो। वैसे तो ठंड का मौसम रहेगा तो आप जैकेट वगैरह तो पहन के जाएंगे, कोई बात नहीं, आप जाएँ वहाँ पे आपके जो चेकिंग वाले होंगे वो उतरवा के चेक करवा के वापस आपको दे देंगे। और रही बात, कई सारे स्टूडेंट कहते हैं, सर कोई स्टडी मटेरियल अच्छा बता दो जो कि तैयारी हमारी बढ़िया से हो पाए, तो उनके लिए बता दो कि इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हमारे वेबसाइट के ऊपर जो भी अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल है, अभी तो एक्चुअली आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो मॉडल पेपर है उनका मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू, आप उन्हें तैयार कर लें। जैसे ये देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ये हिस्ट्री का है, जैसे कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, मोहन जोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के बारे में लिखा। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस ये हर सब्जेक्ट का हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मैं इसका लिंक नीचे आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल पेपर जो कि सॉल्व भी है, अनसॉल्व भी है, वो सारे हमने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा। और भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर लिख दें, मैं उसे पर्सनली संपर्क करके गाइड कर दूंगा एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।